नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनोलेज टाइम में। दोस्तों, टिहरी रिजर्वायर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। टिहरी रिजर्वायर को जब से ऑपरेट किया जा रहा है, तब से पहली बार ऐसा हुआ कि वो अपने मैक्सिमम लेवल को टच किया है। जी हाँ, टिहरी रिजर्वायर का जो मैक्सिमम लेवल है वो 830 मीटर है और इस मार्क को टच किया है फ्राइडे को। इसके पहले यह इस लेवल पर कभी नहीं पहुंचा था, क्योंकि यहां पर कुछ रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास के इश्यू पेंडिंग थे, जिसके कारण राज्य सरकार इसे फुल कैपेसिटी में ऑपरेट करने की परमिशन नहीं दे रही थी। लेकिन जब इस इशू को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर रिजॉल्व कर लिया, तो इन्हें टिहरी रिजर्वायर को फुल कैपेसिटी में ऑपरेट करने की अनुमति मिल गई। तो दोस्तों, यह प्रोजेक्ट यानी कि टिहरी डैम प्रोजेक्ट पिछले 15 सालों से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है और इसकी सप्लाई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को दी जाती है। इसके अलावा इसे कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इरीगेशन, फ्लड मॉडरेशन, फिशिंग, टूरिज्म आदि। यह प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसे भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का हाईएस्ट डैम है। इसके साथ ही यह एशिया का दूसरा और दुनिया का 8वां हाईएस्ट डैम है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।